इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मंगल उत्सव मंगल भाव से मंगल मन बनाकर करना चाहिए। मंगल महोत्सव में कभी आका पाछा रोना गाना ये सब नहीं करना चाहिए, आनंद में रहिए। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चलेगा खिलौना। क्या है रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ये मंगल महोत्सव है, कब बारात चलेगी? धेनु धोरि बेला विमल सकल सुमंगल मोहि प्रण कहो हसन जान सगुन। जरा उत्सव का आश्रय देखिए, ज्योतिषी कौन है? आ तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ज्योतिषी हैं और पत्रिका लेकर के बारी जाता है, नाव नहीं जाता। कहीं कहीं नाव बारी एक कह बोलते हैं, गांव में दोनों दो होते हैं। बारी उसको कहते हैं जो गांव के उत्सव में पान खिलाते हैं। दोनों साथ जाते हैं क्योंकि दोनों परिजन हैं। तो अब नाऊ बारी पत्रिका लेकर नहीं गए। पठये दीन नारद सन सोही गनी जनक के जनक न जो सुनी सकल लोगन यह बात कहि ज्योतिषी आहि विधात। मित्रों जीवन में एक बात का सदैव स्मरण रखिएगा, किसको किसका स्वागत करने जाना है। किसको किसका स्वागत करने जाना है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने परम श्रद्धेय वीरवर महाराणा प्रताप जी का नाम सुना होगा। श्रद्धेय राणा प्रताप जी के यहां एक बार मानसिंह आ गए। क्योंकि मानसिंह ने परिवार में उत्पाद कर रखा था, अपनी बिटिया का विवाह कहीं कर रखा था। वो इतिहास का मुझे बहुत ज्ञान नहीं, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं। महाराणा प्रताप साहब ने कहा मैं तो इनके साथ भोजन कर नहीं सकता, उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। मानसिंह के साथ जब उनके सुपुत्र ने भोजन किया तो मानसिंह वहां से खार खा गया और उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि मैं उत्पात करूंगा। क्योंकि उत्पाती तो होते हैं जीवन में, कभी भी राष्ट्र धर्म श्रुति सिद्धांत और इन सब की अस्मिता के साथ भूल कर भी अपने विरोधियों का साथ नहीं देना चाहिए। जो तीनों के रक्षण में लगे हैं, भले आपकी उनसे पटे अथवा न पटे, आपका मन मिले न मिले, परंतु राष्ट्र के विरुद्ध कोई गतिमान हो रहा हो तो उसका साथ कदापि नहीं। मानसिंह का आज भी कलंक बना इतिहास में, कोई उसको क्षमा नहीं करता। सारे नाम लोग रखते हैं, कोई मानसिंह नहीं रखता नाम। इसलिए जीवन में इस बात का स्मरण रखना चाहिए,
कि हम क्या हैं, क्या होना है, क्या होना चाहते हैं। पत्रिका कौन ले जा रहा? देवऋषि नारद। तीनों लोक में जिनकी सर्वत्र गति है, देवताओं के ऋषि हैं, मनुष्यों के और दैत्यों साहब के ऋषि हैं, भगवान के भी ऋषि हैं नारद जी, पितामह ब्रह्मा, विप्रदेव बन करके विचार किए, वैदिक विधान बना है और नारद जी पत्रिका लेकर गए, मानो भगवान से विनोद करने गए। नारद जी, क्या प्रभु मैं पत्रिका लाया? नारद जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान नारद जी को देख रहे हैं। काहे? नारद जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु ये देखिए रामलीला कितनी प्यारी है, हमने सारी रचना बना ली, आपने हमारा ब्याह होने नहीं दिया, हम आपका करवाने आ गए हैं। देखिए ये बड़ों की बरेखी है, ऐसे ही होती है, कहना नहीं पड़ता है, बड़ों का विनोद कहने में नहीं आता है, केवल समझने में आता है। और विनोद ऐसा ही करना चाहिए, ढक्कन भी बंद रहे और मन हल्का रहे, लाद कर विनोद नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। तो गोधूली वेला में बारात द्वाराचार के लिए पधारेगी, यह खबर ब्राह्मण देवताओं ने जनक जी को दिया और नारद जी ने उधर जनवास से मिले जाकर पत्रिका भेंट किया, बड़ा आनंद हुआ है। गुरुदेव भगवान का पूजन हुआ, अवधेश ने पूजन किया, बच्चों ने सिर चरणों में प्रणाम निवेदन किया, बारात आज गोधूली वेला में द्वार पूजा के लिए प्रस्थान करेगी, इसकी पूरी रचना बनाई, साज सजने लगा। देवता लोग सोचे हम लोग भी चलें बारात में सम्मिलित हो जाएं, ऐसा अवसर कहाँ आएगा, भगवान का पावन महोत्सव है। सारे देवता लोग सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई, शिव ब्रह्मादि विबुध भरो चढ़े विमान निनाना। देवता लोग तो बारात में सम्मिलित हो गए, लेकिन उनकी देवियां मेरी माँ के श्रृंगार में अंदर अनिवास में चली गई, मैया पहचान गई, और सब सखियां मिलजुल कर देवांगनाएं मेरी माँ का अलौकिक श्रृंगार कर रही। एक तो सुंदरता की सीमा, जगत की जननी, और देवांगनाएं उनका साज श्रृंगार करने आए, क्या स्वरूप बना होगा, कहने में नहीं समझने में। भगवान ब्रह्मा जी जब सरकार के दिव्य विवाह यात्रा का दर्शन किए, मिथिला के दिव्यत्व का दर्शन किए, तो सोचने लगे यहाँ जो कुछ भी रचना है इसमें हमारी करनी तो कहीं दिख ही नहीं रही। तो भगवान ब्रह्मा शिव जी से पूछे, बाबा यहां तो सब अलौकिक दिख रहा है, हमारी करनी कहीं दिख नहीं रही। शिव बाबा ने कहा, पितामह घबराइए नहीं, देवता लोगों को भी कहा आप भी आनंद में सम्मिलित होइए, उत्सव मनाइए। क्या कहते हैं? शिव समझाए देव सब जनिया चर जो हृदय विचार धीर धर जगत की माँ और जगदीश जगत के पिता का पावन विवाह महोत्सव इस लोक में संपन्न हो रहा है। देवताओं के लिए किसी महापुरुष का चिंतन है? माँ अपनी अलमारी ठीक कर रही थी, इतने में उसके विवाह का एल्बम गिर पड़ा। 3 साल का बच्चा एल्बम में देखने लगा, देखते देखते वो अपनी फोटो ढूंढने लगा।
रोने लगा। माँ से बोला, ये फोटो कब खिंचाया आपने कि इसमें मेरी तो कोई फोटो ही नहीं है। अब माँ उसको लगी समझाने, बेटा ये मेरे और तुम्हारे पापा के विवाह की फोटो है, तुम्हें कहा था। वे बड़ी विचित्र बात, अब समझाना बड़ा कठिन हो गया कि तुम कहाँ थे ही नहीं। बोले, बाबा पितामह ब्रह्मा से कह रहे हैं कि पितामह ये जगत के माता पिता का मंगल बहुत से इसमें अपना फोटो दिखने वाला नहीं है। जिन कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल न साही कर पहलो हो भगवान शिव सबको समझाए और आगे आगे स्वयं बसा लेकर चल पड़े। देखिए उत्सव में एक बात की सावधानी पूरी रखनी चाहिए, उसको ही उत्सव में बुलाना चाहिए जो आपके उत्सव में आकर के आप जैसा आनंद अनुभूति करे। आपके उत्सव में आकर के और बार बार देखकर कमी बतावे, ऐसे लोगों को उत्सव से बचाना चाहिए। कदाचित आ गए तो कोने वाले घर में पूरा जल जलपान भोजन व्यवस्था देके बाहर से ताला बंद कर देना चाहिए, वही में बैठाए के जब तक उत्सव हो न जाए निकालिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते ऐसे विचित्र हैं, बैठ के यही बात का माला जब है कब जनरेटर की डोरी टूटेगी, कब खरमंडल मचेगा, कब अंधकार होगा। भगवान ने इनको सजा के भेजा है, काहे आपको सावधान करने के लिए। मैं तो सर्वकाल कहता हूं सावधान। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।